मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हम लोग का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो हम लोग जो भी सैंपल पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है उसको रिवीजन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द एपी 7 प्लस 10 विल 1 बाय 2 प्लस 14 प्लस लाइक दैट 84। ओके, इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बताइए। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म 7 d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10 होल 1 बाय 2 माइनस 7 बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा 20 7 बाय 2 माइनस 7, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो d का रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए, d का रिजल्ट 7 बाय 2। Exactly, 7 by 2. So, B का result आ गया 7 by 2, A का result कितना है 7. B 7 by 2, A 7. Okay, कोई problem नहीं। अब देखिए, Pn का value कितना दिया हुआ है, Pn equal to A plus N minus 1 into D. तो यहां से क्या हो जाएगा, Tn, Tn का value कितना है, according to question, Tn equal to 84. 84 equal to a plus a, that means 7 plus n minus 1 into d, d that means 7 by 2। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद यहां से हम लोग n का रिजल्ट निकाल लेते हैं। सर 23 कितना हो जाएगा, बोलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 n का वैल्यू कितना आएगा 23। अब देखिए, n का रिजल्ट जब निकल जाएगा तब आपको यहां से क्या निकालना होगा, SN निकालना होगा। ओके, तो SN इक्वल टू कितना हो जाएगा, SN इक्वल टू n by 2 plus n by 2 into a plus l, a plus l, ये फार्मूला भी यूज करेंगे। तो s 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 by 2 into फर्स्ट टर्म, दैट मींस 7 11 plus 84। s 23 सर 100 कैलकुलेशन करो और इसका रिजल्ट बताओ कितना होगा, 1046.5 जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। नो सर। ओके, वेरी गुड। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रवि का नहीं हुआ, रवि क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आयुष आई थिंक बना ली है, हो गया सर। ओके, वेरी गुड। फाइंड सॉल्व फॉर एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। ओके, योर क्वेश्चन इज 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। In x square minus 2 under root 11 ax plus 2 equal to 0. Quadratic equation का question है। अब x का value निकालना होगा। With the help of sir, बोलिए। Root 11 और x अलग अलग है ना, कि root 11 x मतलब root के अंदर ही है? नहीं नहीं नहीं, ये root देख रहे हैं ना, यहाँ पर x बाहर है, root के बाहर है x, ठीक है ना? तो root 11 अलग है, x अलग है। ओके, तो देखिए, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -2 11, और c का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो क्वाड्रेटिक आंसर आ गया, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। क्या आंसर आया बताइए, रूट 11 प्लस 3 और रूट 11 माइनस। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो चलिए, जिसका नहीं हुआ वो लोग बना लीजिए,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। ओके, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना होगा बताइए, हम लोग नेचर ऑफ रूट के जानते हैं। 44 माइनस 8 34 है, मतलब कौन सा रूट होगा, रियल एंड ऊपर से कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा बताइए, इसमें से टू रूट इलेवन वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट्स का नहीं बना है उस क्वेश्चन को बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक हाइट एंड डिस्टेंस का एक फिगर आप लोगों को देते हैं, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक फिगर बनाते हैं, देखिए यहां से, अच्छा हाइट दोनों सेम ही है, दोनों हाइट जो है ना ये दोनों ये सेम है, यहां से दिया हुआ है ये 60 डिग्री है और ये दिया हुआ है ये आपका 30 डिग्री है, ये दोनों हाइट है, तो हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा, कंफर्म है ना। अब देखिए यहां से टोटल दिया हुआ है 80, टोटल कितना दिया हुआ है 80 मीटर है ना, हाइट निकालना होगा, यहां से निकालना पड़ेगा क्या हाइट को। सर एक बार फिर से बताइए, देखिए मीनिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ये दोनों का हाइट सेम है ठीक है ना, ये दोनों हाइट सेम है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये 60 डिग्री है और यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है इस पॉइंट से, पी पॉइंट से। ओके, दोनों के बीच में बीडी का डिस्टेंस है 80 मीटर, बीडी का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है, बनिया का सर बना है, हाँ बनाइए, तो यहाँ से आपको निकालना होगा, यहाँ से हाइट निकालना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व, कौन स्टूडेंट बताइएगा, बोलिए सर 20√3, 20√3 कैसे आएगा बताइए सर, पहले ट्रायंगल एबीपी में चलेंगे फिर ट्रायंगल सीडीपी में वॉक करेंगे। अच्छा टोटल सर, अगर सर बीपी को एक्स लेट करेंगे तो पीडी 80 माइनस एक्स हो जाएगा, सर उसके बाद ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल में वर्क कर देंगे। अच्छा अच्छा मतलब इसको आप एक्स मान ले लें, इसको 80 माइनस एक्स होगा, यस सर, आप देखो यहां से टेन सिक्सटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन सिक्सटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई एक्स, एच बाई एक्स, टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री होता है ना, दोनों को सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, ये कंडीशन आ रहा है, इधर से भी चलेंगे ना, टेन थर्टी
Yes, sir. Tan 30 equal to कितना होगा h by 80 minus? H by 80 minus x. Tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 by root 3. Equal to कितना होगा? H by 80 minus x. सब अब h का वैल्यू पुट कर देंगे. हाँ, h का वैल्यू कितना है? 1 by root 3. है ना? Equal to कितना होता है? Root 3 x divided by 80 minus x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. यस वेरी गुड. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 80 माइनस x इक्वल टू 3x इनटू रूट 3x इक्वल टू 80 माइनस x हो गया 3x प्लस इक्वल टू 80. दैट इज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 80. दैट इज का वैल्यू हो जाएगा 20. तो x का वैल्यू 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16. है ना? अब आपको हाइट आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यस, है ना? ये भी डिस्टेंस पूछा जा सकता है कि यहां से d से p का डिस्टेंस कितना होगा या b से p का डिस्टेंस कितना होगा, है ना? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. जरूरी नहीं x मीटर हो जाए, 20 मीटर हो जाए. अब यहां से निकाल लीजिएगा tan 60. tan 60 इक्वल टू क्या है? तो हाइट चाहिए तो ना, तो यहां पर h का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 20 रूट 20 root 3 हो गया आंसर. क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? सर अगर नीचे x का वैल्यू निकालेंगे तो एक का 60 मीटर और एक का 20 मीटर आएगा. एग्जैक्टली आदित्य प्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं. जो भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो अच्छा से बना लीजिए. मिसलेनियस प्रैक्टिस अभी बहुत ज्यादा जरूरी है. मिसलेनियस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बनाना, एपी का क्वेश्चन है. ओके, प्लेस कर देते हैं. लिखिए क्वेश्चन, नोट करिए. द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी is given by Sn equal to 3n square minus 4n. Determine the AP and the 12th term. ऐसे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम लोग. The sum of the first n terms of the AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n. इसमें ध्यान दीजिएगा. Sn equal to 3n square minus 4n. Determine the AP and 12th term. AP determine करिए और उसका 12th term भी निकालिए. Is it clear? है ना? देखिए एक यहां से एक कंसेप्ट बता देते हैं. तो एपी निकालना भी बहुत आसान है. एस वन यहां से कितना होगा बताओ? जब एन का वैल्यू वन होगा तो एस वन कितना होगा? थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन कितना हो जाएगा? थ्री माइनस फोर मान माइनस वन. तो एस वन का वैल्यू टी वन का वैल्यू के साथ इक्वल होता है. तो एस वन इक्वल टू कितना है? इसको इक्वल टू टी वन के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो. फिर देखिए S2 कितना होगा? जब n का वैल्यू 2 होगा तो S2 कितना हो जाएगा? 3 into 2 square minus 4n, 4 into 2. Then क्या हो जाएगा? 3 into 4 minus 8. That means कितना हो जाएगा S2? 4 हो जाएगा. S2 का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा. S2 का मतलब T2 नहीं है. S2 का मतलब होता है T1 plus T2. And the sum of two terms. Is it clear?
एस टू का मतलब होता है टी वन प्लस टी टू, तो टी वन का वैल्यू कितना है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन, माइनस माइनस वन, और टी वन प्लस टी टू का वैल्यू कितना है, माइनस वन, टी वन प्लस टी टू का वैल्यू कितना है, फोर है ना, तो देखो एस टू का वैल्यू आपको फोर निकल गया, तो आप लिख सकते हो फोर इक्वल टू माइनस वन प्लस टी टू, तो अब यहां से टी टू का वैल्यू निकाल लिए फाइव, तो टी टू का वैल्यू कितना आया, फाइव आया, कोई दिक्कत है सर, टी टू वैल्यू 64 आएगा, हाँ जी, तो एपी क्या होगा बाबू बताओ, यहां से देखो पहला हो गया टी वन हो गया माइनस वन, टी वन कितना है, माइनस वन फोर और नाइन फाइव, ऐसे इन डॉट 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 सेट लिया आएगा, क्या आया दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, क्या आया बोलो, इसमें देखो फाइव तो बी इक्वल टू हो गया फाइव माइनस ऑफ माइनस वन मतलब हो गया सिक्स, तो पांच के साथ छह ऐड कर दीजिएगा तो ग्यारह, ग्यारह के साथ छह ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा सेवनटीन, ये चलता जाएगा, दिस इज योर एपी, समझ आ गया ना, फिर से बताए इसको बहुत और एक इजी तरीका से बता देंगे, पहले तो इसको देखो ए, यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि टी वन का वैल्यू है माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया, एस टू निकाल लिए, जब इनका वैल्यू टू पुट कर रहे हैं तो एस टू का वैल्यू कितना है थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू, एस टू का वैल्यू कितना होगा ट्वेल्व माइनस एट दैट मीन्स फोर, तो एस टू का वैल्यू हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, एस टू का मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म्स, तो टी वन प्लस टी टू, तो एस टू का वैल्यू यहाँ पर फोर आया है, तो फोर इक्वल टू कितना होगा माइनस वन प्लस टी टू, तो टी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, अब देखो माइनस वन टी वन टी टू हो गया फाइव, अब दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सिक्स होगा, तो फाइव के साथ सिक्स ऐड कर देंगे तो इलेवन होगा, इलेवन के पास सिक्स ऐड कर देंगे तो सेवनटीन होगा, तो ये चलता जाएगा, ठीक है ना, तो एपी डिटरमाइन आप लोग कर लिए हैं, आप लोग को अभी क्या निकालना है ट्वेल्थ टर्म, ये बहुत आसान हो गया, टी ट्वेल्व कितना होगा बताइए, ए प्लस इलेवन डी सर सेवेंटी सेवन, हाँ ए का वैल्यू कितना आया बोलो, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस वन, और इलेवन इंटू डी का वैल्यू सिक्स है ना, डी का वैल्यू कितना है सिक्स, तो माइनस वन प्लस सिक्सटी सिक्स, तो आंसर कितना होगा सिक्सटी सिक्सटी फाइव, सर वो थर्टी सर वो फोर्टीन्थ टर्म निकालना था कि ट्वेल्थ टर्म, ट्वेल्थ टर्म, अच्छा फोर्टीन टर्म निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्टीन टर्म भी निकल जाएगा आराम से, टी फोर्टीन इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस थर्टीन डी, तो ए का वैल्यू कितना है माइनस वन प्लस थर्टीन इंटू सिक्स सेवेंटी सेवन हो जाएगा, आप जैसे बनाए कोई प्रॉब्लम किसी का, नो सर, नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर एक चीज और भी बता देते हैं, यहाँ पर आप टीएल डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना, पहले भी हम बताए होंगे लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, एस टीएल इक्वल टू होता है ना एस एन माइनस एस एन माइनस वन, समझ गया ना, इससे टीएल निकल जाएगा, टीएल निकल गया तो आपको क्या इस फॉर्मूला से कोई बनाए हैं, Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस वन, मतलब आप देख लीजिए, हम कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इसका और प्रोसेस है, अनदर प्रोसेस कैसे बनाएंगे, Sn आपका है 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस कितना हो जाएगा 3 इनटू n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3n 3n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ n माइनस 4, समझिए ना, बस ओके, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो टीएन निकल जाएगा, वेरी गुड, नोट कर लीजिए, इसको कोशिश भी कर लीजिए, बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा, हो गया ना, इरेज कर देते हैं हम लोग, हम लोग सर्किल की तरफ चलते हैं,
सर्कल चैप्टर से एक दो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए है ना। ओके लिखिए। अच्छा ये प्रूव करके बताइए, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रम्बस। सर्कल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रम्बस, ये प्रूव करना है। तो ये थ्योरम कितने स्टूडेंट से बन जाएगा, ये ए बी सी डी है ना। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ बन जाएगा सर है ना। तो एबीसीडी को क्या प्रूव करना है, रंबस प्रूव करना है। तो एबीसीडी है क्या, एबीसीडी है, एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है ना, पैरेललोग्राम है। और इसको क्या, एबीसीडी को प्रूव क्या करना है, रंबस पर प्रूव करना है। तो यहां से हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है, पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड से इक्वल इज कॉल्ड रंबस। तो आपका काम है ना एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू एडी दिखा देना, ऑल साइड सर इक्वल दिखा देना होगा, देन आपके पास ये आंसर रेडी हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे ना, खाली एबी इक्वल टू बीसी आप दिखा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। अब ये सेंटर है तो यहां से देखिए ये परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो क्या होगा बताइए यहां से, ये बी जो है ना आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो रहा है। बी क्या हो रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट हो रहा है। तो यहां से ई एफ माने बीई और बी एफ ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों का लेंथ सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सिमिलर तरीका से चलेगा ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर का कांसेप्ट होगा, इसको भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, इसको भी परपेंडिकुलर कर दिया जाएगा। इफ ये जी ये हो गया एच। तो सबसे पहला काम क्या होगा देख लीजिए कि ए बी इक्वल टू बी सी कैसे प्रूव करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर में कितने टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं ना, दो टेंजेंट बना सकते हैं, ये दो टेंजेंट बना सकते हैं। ओके ये P होगा तो ये A है, मतलब P A इक्वल टू P, दो टेंजेंट होते हैं। अब देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट सर इक्वल है जब B एक्सटीरियर पॉइंट, तो आप इजीली लिख सकते हैं BE इक्वल टू क्या होगा, बी एफ होगा। इसको एक नंबर नेमिंग कर दीजिए। जब C एक्सटीरियर पॉइंट होगा क्या होगा, तो CG यहां से क्या हो जाएगा, CG इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, CF हो जाएगा, ये दो नंबर। जब D एक्सटीरियर पॉइंट होगा तब क्या होगा, जब D एक्सटीरियर पॉइंट होगा तब DG इक्वल टू कितना हो जाएगा, DG इक्वल टू DH हो जाएगा, ये तीन नंबर। और यहां पर जब A एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN। ये चार कंडीशन, ये सभी के लिए कंडीशन क्या है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वेरी गुड वेरी गुड, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एडिंग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 चार जो ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीई प्लस सीजी प्लस डीजी प्लस ए इक्वल टू बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच प्लस एच हो गया। अब सबको ऐड कर दिया जाए, ये सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया, क्या मिलेगा यहां से, बी प्लस ए का मतलब क्या है, ए बी, तो ए बी प्लस सी डी
तो सीजी और सीबी मतलब क्या हो गया, सीबी हो गया इक्वल टू ये ऑपोजिट दोनों साइड हो गया बीसी प्लस एडी हो जाएगा। ये कंडीशन मिल गया। ये भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, देखिएगा ये पांच नंबर डिविंग कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। आप देखो ये एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोला गया है, तो पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब एबी इक्वल टू सीडी होगा और बीसी इक्वल टू एडी होगा, एबी इक्वल टू सीडी होगा बीसी इक्वल टू, एबी इक्वल टू सीडी और बीसी इक्वल टू एडी होगा। अब इसमें बैलेंस करिए, एबी को एबी रहने दीजिए, सीडी को भी एबी कर दीजिए, ओके, बीसी को बीसी रहने दीजिए और एडी को भी बीसी कर दीजिए। क्या रिजल्ट होगा, 2ab इक्वल टू हो जाएगा 2bc, तो ab इक्वल टू क्या होगा bc हो जाएगा। देखिए abcd पैरेललोग्राम ऑलरेडी था, abcd क्या था, abcd आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मतलब ab इक्वल टू bc है, तो आप एकदम निश्चिंत बता सकते हैं कि क्या होगा ना, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में ab cd के साथ इक्वल है और BC AD के साथ इक्वल है। अब मान लीजिए AB इक्वल टू BC हो जाएगा, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन सी दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, है ना? तो कोई भी पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो रंबस हो जाएगा। हेंस ABCD इज अ रंबस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 10 इयर्स देखोगे तो आप कम से कम 3-4 साल में ये क्वेश्चन आया होगा बोर्ड में, है ना? और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पांच नंबर जिसको पॉइंट ले, इसमें से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल आया है। लास्ट 20 इयर्स देखिएगा तो 15 इयर्स में ये क्वेश्चन आया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये प्रूव करो। हम क्लास में भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, ओ ए बी एंड पी ये दोनों को कंग्रुएंट कर देना होगा, समझ गया ना, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देना हो। दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कैसे करिएगा ना, आरएचएस से करिएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कौन सा साइड ये, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेंटर, तो आरएचएस से दोनों को कंग्रुएंट कर दीजिएगा तो लेंथ ऑफ ट्रायंगल सर इक्वल हो। इसका रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि ये यहां पर एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर में जो एंगल बनाता है वो भी एंगल इक्वल होगा, और ये सेंटर में जो एंगल बनता है ये भी एंगल इक्वल होगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ओके। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा से, ऐसे भी आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंट अभी सभी लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार उसको क्लियर कर लीजिएगा जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा बन जाएगा। इज इट क्लियर, किसी का कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा अभी, फिर हमको आंसर बताइएगा। एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 10/6, यहाँ पर होगा एक्स नॉट इक्वल टू 4/6। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करके हमको आंसर बताइए। एक्स माइनस 2 मिनट, हाँ ठीक, 2 मिनट नहीं, आपको 3 मिनट हम टाइम देते हैं, आंसर चाहिए।